हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना कुमावत आज आपके लिए बिग बॉस का रिव्यू लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी कैप्टेंसी की टास्क की। आज जो कैप्टेंसी के टास्क के लिए, दावेदारी के लिए जिस तरह का टास्क दिया गया वो बहुत ही मुश्किल था। या तो आप गेम खेल सकते थे या अपनी दोस्ती बचा सकते थे। ऐसे में बहुत मुश्किल था हर सदस्य के लिए ये डिसाइड करना कि वो क्या करें, दोस्ती बचाए या गेम खेले। सबसे पहले शुरुआत हुई शहनाज से। शहनाज की चिट्ठी रश्मि देसाई के हाथ में लगी और हमने शुरुआत में देखा था गेम के शो में कि रश्मि और शहनाज के बीच में पैचअप हो गया था। यहाँ तक कि शहनाज ने रश्मि को सॉरी बोल दिया था और हमें लग रहा था कि इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी। लेकिन उस टास्क में जब रश्मि देसाई ने शहनाज की चिट्ठी फाड़ी और वो सीधे सीधे कैप्टेंसी के पद के लिए चली गई, तो ये साफ हो गया कि यहाँ पर घर के अंदर इमोशन पीछे है, सबसे पहले है गेम। और मैं अब बात करूँगी भाऊ की। भाऊ के हाथ में रश्मि देसाई की चिट्ठी आई। भाऊ ने बोला कि मैं लीडर बनना ज़रूर चाहता हूँ, कैप्टन बनना चाहता हूँ, लेकिन किसी की आंखों में आंसू लाकर नहीं बनना चाहता। उन्होंने रश्मि देसाई की चिट्ठी दे दी, लेकिन वो चिट्ठी विकास ने छीन ली और उसको फाड़ दिया और वो सीधे सीधे कैप्टेंसी के दावेदार बने। यहाँ आसिम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि अरहान को होना चाहिए था रश्मि देसाई की चिट्ठी को बचाने के लिए, लेकिन जो हो गया सो हो गया। और विकास ने बोला, मैं यहाँ डेबोलिना के बिहाफ पर खेल रहा हूँ, इसलिए मुझे डेबोलिना का गेम जो है स्ट्रॉन्ग करना है। मास्टरमाइंड कही जाते हैं विकास गुप्ता, और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि वो वास्तव में उन्होंने अपना मास्टरमाइंड दिखाया है और उन्होंने ये साबित किया है कि वो यहाँ गेम खेलने आए हैं। उन्होंने रश्मि को बोला भी कि तुम्हारे साथ यहाँ अरहान है सुबह शाम तुम्हें मेंटली सपोर्ट करने के लिए, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चिट्ठी की ज़रूरत थी। शेफाली का जो है पासा खुद उन पर ही उल्टा पड़ा। मैं बात करूंगी कि शेफाली ने विशाल और आसिम को जाकर कहा कि अगर तुम्हारे हाथ में चिट्ठी आए तो मेरी चिट्ठी फाड़ देना, क्योंकि मुझे चिट्ठी की ज़रूरत नहीं है। मेरे पति पराग का मैसेज जो है विकास ने आकर घर में मुझे दे दिया था, क्योंकि विकास पराग के दोस्त हैं। ये बात बिग बॉस को बुरी लगी और उन्होंने कहा कि आसिम और विशाल अगर कैप्टन बनेंगे तो वो खुद ही कैप्टन बनने के दावेदार हैं, वो उसे डिजर्व करते हैं, उन्हें खैरात में कैप्टनशिप नहीं चाहिए। और शेफाली ने कहा है कि उन्हें चिट्ठी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनकी चिट्ठी जो है शेफाली खुद ही फाड़ देगी, और उन्होंने जो है खुद ही चिट्ठी फाड़ दी। उसके बाद जो है मैं बात करूँगी विकास, यानी कि विकास फाटक की चिट्ठी शेफाली के हाथ में लगी। मैं बहुत सरप्राइज थी, मुझे लगता है सब दर्शक सरप्राइज थे कि जब शेफाली ने भाऊ की चिट्ठी फाड़ दी। और इस बात का सबसे ज़्यादा बुरा लगा है आसिम को। उन्होंने शेफाली को बहुत ही बातें कही, उन्होंने कहा कि ये किसी की सगी नहीं है, अब ये जाकर भाऊ के सामने ड्रामे कर रही है। हालांकि भाऊ ने आसिम से बोला कि ये मेरा मामला है, मैं खुद देख लूँगा। भाऊ दरअसल पिछले कुछ समय से काफ़ी नाराज़ थे, बहुत उदास थे, मैं नाराज़ नहीं कहूँगी, और वो बिग बॉस को बार बार कह रहे थे कि मुझे मेरे बेटे की तस्वीर चाहिए, और उन्होंने इसके विरोध में जो है सुबह से माइक नहीं पहना था, और बिग बॉस उसे बार बार बोल रहे थे कि आप माइक पहनिए। और घर वालों ने भी उन्हें समझाया, शेफाली ने, रश्मि ने, आसिम ने, कि आप माइक पहनिए नहीं तो इसका दंड पूरे घर वालों को मिलेगा। और जब इस टास्क की घोषणा हुई तो सब ने भाऊ को समझाया कि इस टास्क में आपके घर से भी चिट्ठी आई है, वो आपको मिलेगी तो आप पहन लीजिए, और आपको आपकी चिट्ठी मिलेगी तो आपकी उदासी दूर हो जाएगी। और जब ये शेफाली को पता था, वो भाऊ जो है उनको अपनी बहन बोलते हैं, कभी बेटी बोलते हैं, और शेफाली को ये पता था कि भाऊ जो है इस चिट्ठी को लेकर बहुत उदास चल रहे हैं और उनको इस चिट्ठी की कितनी ज़रूरत है। भाऊ आज टूटते हुए नजर आए, रोते हुए नजर आए। ऐसे में शेफाली ने जो उनकी चिट्ठी फाड़ी है, इसका जो है दर्द भाऊ को बहुत हुआ है, और इस बात को लेकर पूरा घर जो है उनकी इस हरकत से बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ है, क्योंकि शेफाली एक बार कैप्टन बन चुकी थी और उनको कैप्टन बनाने में सिद्धार्थ, आसिम, हिमांशी और भाऊ का हाथ था। ऐसे में जब बारी थी भाऊ को कैप्टन बनाने की और भाऊ को उनकी चिट्ठी देने की, तब शेफाली ने चिट्ठी फाड़ कर मुझे लगता है घर में बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है। इतना ही नहीं, हमने शुरुआत में देखा कि कैसे शेफाली जो है पासा पलटती हुई नज़र आई। वो जो है इस बात का जिक्र कर रही थी कि वो आसिम के पास जाकर लेटती है, किस करती है, हक करती है, क्योंकि उसको हिमांशी की कमी ना खले। और यहाँ तक कि वो शुरुआत में आसिम के साथ इसलिए करती थी क्योंकि वो हिमांशी को बचाने की कोशिश कर रही थी, वो तो एक शादीशुदा है, उनको इसकी क्या ज़रूरत है। वहीं पारस और सिद्धार्थ की पूरा गेम सीक्रेट रूम में बैठकर देख रहे हैं, और उन्होंने भी ये कमेंट किया कि ये बहुत झूठी है, ये सब काम तो उसने पहले ही कर दिया था। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे फिनाले की तरफ गेम जा रहा है, शेफाली जो है अपना शातिर दिमाग लगा रही है, गेम को पलटने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो कई जगह पर कई लोगों के सामने
खुद ही झूठी साबित हो रही है। ऐसे में जो है उनका गेम स्ट्रांग होगा या वीक होगा ये दर्शक डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे लगता है, और मुझे लगता है जो बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं उनको भी ये लगता है कि ऐसा करने से रश्मि का गेम वीक होगा, स्ट्रांग बिल्कुल नहीं होगा। स्ट्रांग गेम मुझे जो है धीरे धीरे माहिरा का होते हुए दिख रहा है, सना का होते हुए दिख रहा है। यहाँ तक कि विशाल जो है पिछले हफ्ते तक मुझे लग रहा था, शुरू में लगा था कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बीच में उनका गेम वीक हो गया था, लेकिन अब उनका गेम भी स्ट्रांग दिख रहा है। एक और मैं बात करना चाहूँगी माहिरा और विशाल की नज़दीकियों की, नज़दीकियाँ नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि विशाल जो है कभी उनको बहन बोलते हैं कभी अच्छा दोस्त बोलते हैं, लेकिन आज जब है माहिरा को उन्होंने गले लगाया और गोदी में उठा लिया तो सीक्रेट रूम से पारस ये देखकर इरिटेट हो गए और उन्होंने कहा जब तक मैं घर में था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसको झप्पियाँ पाले पप्पियाँ पाले और इस तरह से गोदी में उठा ले। तो सिद्धार्थ ने बोला माहिरा इज ऑल्सो लाइकिंग इट, तो पारस ने भी ये माना कि हाँ मुझे भी लग रहा है कि माहिरा को ये पसंद आ रहा है। तो पारस इस बात को लेकर काफ़ी जल रहे हैं कि उनके पीछे से जो है माहिरा जो है विशाल के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रही हैं। हमने विशाल और मधुरिमा की भी नज़दीकियाँ इस एपिसोड में देखी, हमने देखा कि कैसे जो है मधुरिमा ने जाकर सुबह सुबह उनको पैम्पर किया और उनको किस किया। वहीं विशाल जो है थोड़ा समय ले रहे हैं मधुरिमा के लिए रिएक्ट होने का, उन्होंने लगता है कि गेम प्लान बना रखा है कि वो अपने पर्सनल बातों को जो है घर के अंदर नहीं आने देंगे और उसी बात पर स्टक रहना चाहते हैं। तो इस हफ्ते जो है कैप्टेंसी के दावेदार में अभी तक रश्मि, विकास गुप्ता, आसिम और मैं आसिम की बात इसलिए कर रही हूँ और शेफाली जरीवाला है आसिम, क्योंकि हम देखेंगे कि कल जो है माहिरा के हाथ में आसिम की चिट्ठी लगेगी और माहिरा जो है वो चिट्ठी आसिम के हाथ में दे देगी, उसके घर से आई हुई चिट्ठी। लेकिन जब आसिम के हाथ में माहिरा की चिट्ठी लगेगी तो वो माहिरा की चिट्ठी फाड़ देंगे, तो माहिरा का दिल वहीं टूटेगा और हम देखेंगे कि वो रोती हुई नज़र आ रही है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कल के एपिसोड में कि किस तरह से सिद्धार्थ और पारस सभी को कठपुतली बनाकर नचा रहे हैं, उन्होंने रश्मि को जो है जोकर बना दिया है और उसको नचा रहे हैं। शेफाली को हुक्म दिया है कि सर पर मग रखकर तब तक बैठी रहे जब तक कि उनको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ना दिए जाए। तो ऐसे में गेम जो है सिद्धार्थ और पारस गेम का पूरा मज़ा भी ले रहे हैं, सीक्रेट रूम में बैठकर अपना गेम भी बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं, उनको सब दिख रहा है कि कौन उनके बारे में क्या क्या सोच रहा है। शेफाली ने इन दोनों को गेम की शुरुआत में राक्षस भी बोला और सिद्धार्थ ने भी पारस को बोला, जब पारस ने कहा कि मैं अंदर जाके शेफाली का गेम बजाऊंगा, शेफाली जरीवाला की मैं बात कर रही हूँ, तो पारस सिद्धार्थ ने भी बोला शेफाली के मामले में भी मैं भी तेरे साथ हूँ। तो मुझे लगता है कि आज के गेम के बाद जो है शेफाली का जो दोगलापन या डबल चेहरा सामने आया है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आपकी ओपिनियन अलग हो, वो जो है उनके गेम को और वीक करेगा। मुझे अभी तक काफ़ी स्ट्रांग लग रही थी, मुझे अब माहिरा ज़्यादा स्ट्रांग लगने लग गई है। कुछ समय पहले तक मुझे माहिरा शेफाली से कम स्ट्रांग लग रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब माहिरा अच्छा गेम खेलने लग गई है और वो उभर कर आएगी। तो देखना होगा कि इस हफ्ते के एंड में कैप्टेंसी के दावेदार वाकई में कोई बनता है, कोई कैप्टन बनता है, क्योंकि माहिरा ने कहा था कि जब मेरी चिट्ठी मिल जाएगी उसके बाद जो है मैं ये टास्क रद्द करा दूंगी। तो कौन कैप्टन बनता है, कौन नॉमिनेट होता है, आपको क्या लगता है कि नॉमिनेशन में इस हफ्ते घर से बाहर कौन निकलेगा? भाऊ निकलेंगे, मधुरिमा निकलेगी, शहनाज निकलेगी या फिर सेड निकलेगा? तो आपको कौन लगता है कि कौन निकलेगा और कौन कैप्टन बनेगा, आप ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें ज़रूर बताइए। लेकिन उससे पहले जो है आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।